बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। ये तो चलो दोस्तों, आज आपके साथ हम मसूर की दाल, शाही मसूर की दाल या मुगलाई मसूर की दाल बनाएंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत टेस्टी बनती है। मसूर की दाल का अपना एक टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें लहमियात बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पुराने हकीम या डॉक्टर तो ये कहते हैं ये गोश्त का नेमल बदल है। तो आज हम लोग ला रहे हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल तकरीबन हमने 1.5 पाव ले लिए, घी ले लिया है 100 ग्राम, 2 अदद प्याज हमने काट लिए, 2 अदद ओनियन, अदरक लहसुन तो हमने कूट लिया है, टमाटर पेस्ट बना लिया है वो ले लिया है, और मसालों के अंदर ले रहे हैं रेड चिली 1 चम्मच और हल्दी आधी चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, और गार्निश वगैरह के लिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अदरक की काट लिया, और पानी साथ में। तो अभी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली है। देहात के अंदर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है मसूर की दाल, चल क्योंकि मसूर की दाल आम सी हर घर के अंदर होती है, लोगों के पास यहाँ भी है। तो आज हम लोग बना रहे हैं मज़ेदार मसूर की दाल, तो उसकी रेसिपी आप से शेयर करते हैं। तभी चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी हमने डाल दिया है, प्याज 2 अदद, कर लेते हैं हाफ ब्राउन, कर लेते हैं इस तरफ ब्राउन। अभी शामिल करते हैं अदरक और लहसुन जो हमने कूटा हुआ था। इसको भी साथ फ्राई कर लेते हैं शुरू के लिए, ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। मसूर की दाल दो तरह की बनती है, एक खुशक और एक शोरबा टाइप, दोनों ही मज़ेदार होती है। हम बनाएंगे खुशक वाली। और अभी शामिल कर देते हैं हम टमाटर का पेस्ट, प्यारे प्यारे टमाटर बहुत ही तरफ वाले, इसका पेस्ट शामिल कर देते हैं। हम बनाएंगे जनाब ग्रेवी, ग्रेवी टाइप जो खाने में बहुत ही मज़ेदार, आप खासकर मज़ा आता है पराठे के साथ। ये मसूर की दाल पराठे के साथ खाएं तो मज़ा आ जाएगा। अभी बाकी चीज़ें भी हम शामिल कर देते हैं। अभी डाल रहे हैं रेड चिली 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी और नमक हसबे ज़ायका। नमक हमारा गीला हो गया तो नहीं क्या, थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देते हैं मिर्च को फ्राई करने के लिए, अच्छी तरह मिर्च फ्राई हो जाए। मिर्च हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम डाल देते हैं अपनी प्यारी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत मसूर की दाल। देखें कैसी प्यारी प्यारी, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। लुक अगर इतनी अच्छी आ रही है, इंशाल्लाह बनेगी भी इतनी अच्छी और खाने में भी। बिस्मिल्लाह, दाल को अच्छी तरह हमने साफ करके धो के फिर भिगोया था, और यही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं जिस दाल के अंदर, जिस पानी के अंदर आपने उसको दाल वगैरह को, चने की दाल, मसूर की दाल को भिगो के रखा हो, वही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और चीज़ जल्दी अच्छी तरह गल जाती है। अगर ये हमारी इसी दाल हमारी इसी पानी के अंदर इंशाल्लाह गल जाएगी। अभी इसको कर देते हैं कवर थोड़ी देर के लिए, हल्की आंच पे इसको फूकने देते हैं।
तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, बंद कर रहा हूँ मैं, ढक्कन लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हम डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाले में हम जीरा ले रहे हैं और काली मिर्च, चंदाने जीरा और काली मिर्च खुशबू के लिए। आप पराठा बनवाएं, चावल के साथ खाएं, मज़ेदार। अभी करते हैं डिश आउट और आप लोगों के सामने पेश करते हैं। सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं हम पहले। अभी कर लेते हैं गार्निश। और साथ में अदरक की काशी डाल देते हैं जो हमने अदरक काटा हुआ था। और साथ लगते हैं नींबू लीमू और मसूर की दाल के साथ हम रखते हैं लीमू। लीमू का अपना एक मज़ा है। लीमू का आपने छोड़ें, इसके ऊपर दाल के ऊपर डालें और पराठा बनवाएं और खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी छोटी सी आज की जो कावश हमने की हुई है मसूर की दाल, मुगलाई मसूर की दाल, आपको पसंद आएगी। आप भी ट्राई करें, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और गोश्त का नेमल बदल है। तो मैं अपने सब जितने भी नए दोस्त आते हैं, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबका बहुत दोस्तों शुक्रिया, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।